ट्रस्टी श्री भरत सर, नमस्कार प्रिंसिपल श्री एंड बधाज गुरुजनों ने मारा नमस्कार। आज हूँ तमने नए भारत के बारे में कुछ लाइनें बताऊंगा। नमस्कार सभी भारतवासियों को, प्रिंस का नमस्कार। कभी ठंड में ठिठुक कर देख लेना, कभी तड़पती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है देश की हिफाजत, कभी सरहद पर चल के देख लेना। दोस्तों, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इस आज़ादी के बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए, और इसीलिए आज भी पूरा देश इन वीर जवान वीर सपूतों को याद करता है और उनकी देशभक्ति के जज्बे को नमन करता है। आज का भारत पहले के भारत से कई ज़्यादा विकसित हुआ है, फिर चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो, या फिर कृषि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमारा देश दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है। हमारे देश की सशक्त सेना बहुत मजबूत है, साथ ही हमारे देश दुनिया का परमाणु शक्ति संपन्न देश है। आज का ये 77 साल का प्रगतिशील भारत सम्मानित शांति प्रिय देश के तौर पर माना जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिनके होठ में माँ गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्तम बंगाल है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों के समक्ष ढली बन जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो जिससे विश्व देश उद्देश्य कर्मयोग सिखाया है, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सिखाया। वसुदेव कुटुंब के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत, वही नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत पिलाता है। तीनों लोक का स्वामी होकर भी माखन चुराए, महाअवतार होते हुए भी अब माँ के हाथ की मार खाए मेरा काना। मैं उस गौतम के भारत से आता हूँ जो जन्नत के लिए एक राष्ट्रपूत सन्यासी हो जाता है। मैं उस राम के भारत से आता हूँ जो अपने पिता की एक बात से सिंहासन छोड़कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री उसके स्वाभिमान से पहचानी जाती है, एक कुंवारी माँ को माँ सती कुंती के नाम से जानते हैं और चार पति वही पत्नी को देवी माँ कहते हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मैं भारत प्रेम पुण्य लो अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अपमान हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा अनुमान है। पटो हमारे इतिहास जो हमारे मस्तक पे छपे है, एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया तो हमने 100 भाइयों की चिता जला दी थी, एक रावण ने हमारी माँ का अपहरण कर लिया तो हमने रावण कुल की पूरी लंका जला दी थी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका है, झुका है या डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। आज आज़ादी के बाद एक नागरिक नए भारत के निर्माण में हाथ बटा रहा है, और आज देखो ये नया भारत इंडियन 2.0 जो घर घर तिरंगा लहरा रहा है, जिस दुनिया ने भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हास्य में डाल दिया था, आज वही 21वीं सदी का भारत 21वीं सदी का नक्शा खोलकर देखिए तो भारत सबसे टॉप में आता है। और क्यों ना नजर आए, जब हमारे पड़ोसी चौक से डायनाग्राम बनाना सीख रहे थे तब चंद्रयान की मदद से चांद की मिट्टी को चूम कर लौट आए। कभी सब सोचते थे कि भारत यहीं रह जाएगा, हिंदुस्तान के दिन कभी नहीं बदलेंगे। आज वही पूरे विश्व की कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें से 10 में से 7 लोग हिंदुस्तानी निकलेंगे। रुको, अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो और ऊंचा होगा मेरा तिरंगा, बस अभी कुछ साल और,
उसके बाद पूरी दुनिया कहेगी मेरा भारत महान, जय हिंद। अंतिम कुछ लाइन कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद अस्तु। खूब सरस।